आई सर, राउंड 5 का अलॉटमेंट जब से हुआ है तब से बच्चों को उनमें लगातार डाउट आ रहा है कि भैया राउंड 6 का अलॉटमेंट कब होगा, होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो कब होगा, उसका डेडलाइन वगैरह क्या होना चाहिए। और इस वीडियो में मैं रिपोर्टिंग टाइम के बारे में ही बात करने वाला हूँ। सारे लगभग ऑलमोस्ट सारे आइसर्स का रिपोर्टिंग टाइम अनाउंस कर दिया गया है, कब आपका रिपोर्टिंग टाइम होगा। तो रिपोर्टिंग टाइम का मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगा, लेकिन इस वीडियो में भी लास्ट में बता दूंगा, लेकिन पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो आईसर पुणे का एडमिशन क्लोज हो चुका था राउंड 3 में। राउंड 4 में आईसर पुणे में अलॉटमेंट नहीं किया गया था। राउंड 5 में फिर से आईसर पुणे का एडमिशन ओपन हुआ है और राउंड 5 में अलॉटमेंट देखने को मिला है आईसर पुणे में। और बाकी सारे आईसर्स का क्या है, जैसे नीट 2023 का राउंड ऑफ अलॉटमेंट जल्दी हुआ है, फर्स्ट राउंड का, सेकंड राउंड का भी होगा, तो बहुत सारे बच्चे सीट छोड़ेंगे। ऑब्वियसली बात है, सीट छोड़ेंगे जिनको मेडिकल में इंटरेस्टेड है प्योरली, तो वो लोग सीट छोड़ेंगे। एंड जेई से भी जिन लोगों को HBTU, RGPTI, HBTI और UPTU, इन सारे, और IITs, NITs, IIST, इन सब में कॉलेज अच्छा मिल जाता है, तो वो लोग छोड़ देते हैं कॉलेज जेई से भी। तो जेई से भी कई सारे बच्चे ड्रॉप आउट करेंगे, मतलब सीट छोड़ेंगे, एंड मतलब और नीट से भी बहुत सारे बच्चे सीट छोड़ेंगे। तो सीट अगर ज़्यादा वेकेंट रहती है तो राउंड 6 का अलॉटमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। राउंड 6 का अलॉटमेंट आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। मेरा मानना है कि 90-95% चांसेस है आपको राउंड 6 का अलॉटमेंट देखने को मिलेगा। अब कब होगा, कैसे होगा, इसका शेड्यूल अभी आया नहीं है, मैं फिर से भी चेकआउट कर लूँगा। आता है तो मैं दोपहर के 12 12:30 1 बजे तक बता दूँगा आपको कि हाँ ये आ चुका है, ठीक है। तो लेकिन अभी फ़िलहाल कोई शेड्यूल उस पर रिलेटेड नहीं आया हुआ, उसके रिलेटेड जैसे ही आता मैं आपको अपडेट करता हूँ। आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, पूरा इन्फॉर्म हेल्प यहाँ पे मिलने वाली रिगार्डिंग काउंसलिंग, एडमिशन प्रोसेस, सारी वर्कशॉप्स, हर तरीके के सब कुछ यहाँ पे होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अब बात करता हूँ आईसर्स के रिपोर्टिंग टाइम की। तो इस वीडियो में दो आईसर्स के बारे में बात करूँगा। दो आईसर्स का रिपोर्टिंग टाइम क्या है, आईसर मोहाली का रिपोर्टिंग टाइम, मतलब रिपोर्टिंग डेट आपका यही करीब 18 अगस्त से रखा गया है। 18 अगस्त से आईसर मोहाली में रिपोर्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट आईसर भोपाल की बात करें तो आईसर भोपाल से 25 अगस्त से आपकी रिपोर्टिंग स्टार्ट हो रही है। 25 अगस्त से नया बैच यहाँ पे आ रहा है। तो जिन लोगों को आईसर भोपाल मिला है, विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी रिपोर्टिंग 25 अगस्त से स्टार्ट हो रही है। तो मोस्टली आप लोगों को कुछ टाइम भी दिया जाएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे इसका रिलेट, इससे रिलेटेड मैं वीडियोस भी बना दूंगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो आइए फिर मिलते हैं, बाय बाय।